हम कान भी खींचने पड़ेंगे अब जो नहीं काम अच्छे से करता है। सो पेनल्टीज भी कुछ लगेंगे इसके ऊपर कि अगर काम ठीक से नहीं होता है तो। उसके ऊपर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे साथ श्री आरवीएन श्रीनिवास सर हैं, डायरेक्टर यूआईडीआई से, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके बारे में आपको ब्रीफ करें। इनफैक्ट इसके बाद उनकी टीम भी है प्रॉपर जो आपको और जानकारी देंगे इसके बारे में। सर प्लीज। गुड आफ्टरनून। लंच के पहले ये बहुत टिपिकल समय है जो नींद आती है, भूख लगती है, सुनने में कोई दिक्कत होती है, इसलिए हमने सोच पोच के पेनल्टीज की सेशन लगी हुई है अभी, क्योंकि जो भी नींद होते हैं ना उठ जाती है एकदम। अभी तक रौटेला साहब और हमारा राकेश सिन्हा साहब बहुत अच्छी चीज बताया, और अभी मैं ये बोलना चाहता हूँ, देर आर टू थिंग्स आई वुड लाइक टू फ्लैग। पहला क्या होता है कि ए डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट में आप किसी प्रकार की स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट मत लीजिए। स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट इज नॉट एक्सेप्टेड फॉर डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट। ये डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट हम इसीलिए कर रहे हैं कि जिसका पुरानी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है, अगर वहाँ भी हम स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट अप्रूव करेंगे तो गलत बात है, उसका पर्यवसान बहुत कठिन होता है। तो इसीलिए कोई भी डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट में आप स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट मत लीजिए, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अभी यूआईडीआई हेडक्वार्टर्स ने बहुत सारा प्रेजेंटेशन बन चुके हैं आपके लिए, सारी ट्रेनर्स के लिए, सारी ऑपरेटर्स के लिए, उसमें 8 प्रेजेंटेशन है। उसमें 2 प्रेजेंटेशन ऑलरेडी सिनाजी और राउटेलॉजी कवर कर लिया है। फर्स्ट प्रेजेंटेशन है एनरोलमेंट ऑपरेटर, मतलब एक एनरोलमेंट ऑपरेटर किस तरह के एनरोलमेंट करना है, उसमें क्या क्या देखना पड़ती है। लोग क्या होते हैं ना, छोटे मोटे गलती है सर इसमें क्या गलती, वो छोटे मोटे गलती आपके लिए हो सकते हैं अगर, मगर वो छोटे मोटे गलती हमारे लिए बहुत बड़ा बन सकते हैं। उसके ऊपर आप सब लोग कभी कभी बोलते हैं सर हमारा सस्पेंशन हो गया है, DOE 1 में हो गया है, DOE 2 में हो गया है, बायोमेट्रिक एरर में हो गया। आपको ये सब पता होना चाहिए आपका गलती कितना छोटा है और कितना बड़ा है, इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन है। सेकंड थिंग, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर नाम में चेंज करने पर भी रिजेक्ट हो रहा है। अगर मेरा नाम श्रीनिवास है, मैं अजय कुमार बनना चाहता हूँ, ये गलत बात है। वो अजय कुमार बन के क्या कर रहे हैं आपको मालूम है? वो किसी दूसरे के प्रॉपर्टी को भी लेके जा रहे हैं। ये ऐसा स्थिति हुए ग्राउंड पे, इसीलिए आप जो भी नाम चेंज कर रहे हैं, मतलब श्रीनिवास से कोई दूसरा नाम, कोई दूसरा नाम से तीसरा नाम, ऐसा हो रहा है कि सोचो उस आदमी को सही डॉक्यूमेंट लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सब सोच लो, उसका पर्यवसान बहुत कठिन होता है। दूसरा ये है कि इसीलिए हमने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर निकाला है, नाम कितने बार कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ कितने बार कर सकते हैं, जेंडर कितने बार कर सकते हैं। अगर इसके पर भी किसी का डेट ऑफ बर्थ बार बार चेंज होता है क्या, मगर कोई आदमी आ रहा है, इसका मतलब क्या है? हम तो वो सोचना पड़ेगा ना, फ्रॉड भी हो सकता है, कभी हमने भी गलती कर लिया होगा ना, आंख बंद करके ठकाठक मार लिया हो तो गलत हो गया होगा। देखो जो आदमी आ रहे हैं उनका उनका गलती है या हमारा गलती है ये भी देखो, थोड़ा उनका उनका प्रॉब्लम क्या है वो एसेस करने के लिए कोशिश करिए। सेकेंड थिंग इज, इसके साथ हमारा QC में बहुत सारा रिजेक्शन होता है। आप ये समझते होगी जो हम डॉक्यूमेंट यहाँ से अपलोड करेंगे वहाँ कोई देखने वाला नहीं है, हमको क्या फर्क पड़ने वाला है, वैसा कुछ नहीं होता है। आप यहाँ से जो भी कागज भेजते हैं नीचे पैकेट के साथ, वो सारी बैकग्राउंड में वेरिफिकेशन होता है। मैं आपको बोलता हूँ, मानो ना मानो आपका बात है, डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट को इस तरफ आगे साइड उनका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होता है, फोन पे बात करते रहे या कोई दूसरे बात करते रहो, उल्टा करके स्कैन करते हैं, मेरे को क्या आता है, व्हाइट पेपर आता है, DOE 1 है, क्योंकि जहां पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अपलोड करना था आपने सफेद कागज अपलोड किया, ये तो एकदम फ्रॉड है। वो आप गलती से भी कर लिया होगा मगर इट हैज ए लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। दूसरा क्या होता है ना, किसी ने POI POA डॉक्यूमेंट दोनों दिया था आपको, एक के बाद एक स्कैन करना था, वो भी फोन पे लगे हुए है, दोनों डॉक्यूमेंट लिया, स्कैनिंग वैसा हुआ कि पहला डॉक्यूमेंट आधा स्कैन हो गया, दूसरा डॉक्यूमेंट आधा स्कैन हो गया, आप जान ही नहीं देते हैं, वो गलत बात है। तीसरी बात यह है कि ये देखो मेरा 10 उंगलियां है यहां पे,
ये दोनों में बायोमेट्रिक्स नहीं आ रहे, मगर आप इसको कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हाँ ये एक्सेप्शन है, हम आठ उंगली को ले लेंगे बायोमेट्रिक और इसको एक्सेप्शन मानते, ये गलत है, बहुत बड़ा गलत है। इसका दो उंगली है यहाँ पे, इसका उंगली नहीं है वो अलग सी बात है, ये एक्सेप्शन बनती है मगर ये एक्सेप्शन नहीं बनती है। इसके लिए भी अलग सा तरीका है, अगर किसी का रेजिडेंट आपके पास आया उनका दो उंगली का बायोमेट्रिक्स नहीं आ रहा है, उसको कैप्चर करना है तो डेटा उसका प्रोसेस ही अलग है, मगर क्या होता है ना इसको एक्सेप्शन में डाल देते हैं, इट इज अ फ्रॉड वंस अगेन, क्योंकि वहां पे उंगली है आप इसको एक्सेप्शन मान रहे हैं, कहां से एक्सेप्शन आ गया। ये है वन मोर प्रेजेंटेशन ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। इसके बाद क्या होता है, रौटेला साहब ने बताया था कि किसी ने वो आपको फोन पे बोलता है अभी आधा घंटा में आप नहीं करेंगे तो आपका दुकान बंद हो जाएगी, आपका क्लाइंट बंद हो जाएगी। ये सब क्या होता है, आपको मैसेजेस आता है ना क्रेडिट कार्ड्स वगैरह वगैरह में, आगे आधा घंटा में बिजली का बिल नहीं भरेगा तो आपका बिजली काट जाएगी, वो सब फॉल्स है ना, मालूम है ना आप लोग सबको। वैसा ही आपका सिस्टम को कोई एक्सेस कर रहे हैं तो आप एक्सेस क्यों कर रहे हैं, ये गलत बात है, ये भी नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर टेक्निकल एस्पेक्ट्स, मतलब जो चीज आप करना है जो चीज नहीं करना है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गाइडलाइंस क्या है, उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन है। इन एडिशन टू दैट, जो नीचे ग्राउंड पे लोग होता है ना, कभी कभी क्या होता है ना, आपको लगता है ये बहुत ट्रिवियल है, इंटरनेट केबल उस दिन ठीक से नहीं लगाया होगा, बोलते हैं आधार वाले ने आज सर्वर चालू नहीं किया, मेरे को सिस्टम नहीं ऑनलाइन हो रहा है। वैसा भी स्थिति है ग्राउंड पे, छोटे मोटे चीज होता है, कभी कभी आपका सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ता है, एक सर्विस को रीस्टार्ट करना पड़ता है, वो कुछ भी नहीं करते, बोलते हैं आज आधार का सर्वर काम नहीं कर रहा है, वो गलत बात है। ये छोटे मोटे, बहुत छोटे मोटे चीज है जो हम मोबाइल सब लोग यूज करते हैं, अगर कुछ हैंग हो गया तो रिस्टार्ट करेंगे तो काम करते हैं, वैसा कुछ चीजें हैं जहां पे आपको ध्यान दे के जो आपको 5-10 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, मगर क्या होता है ना, लोग सोचते हैं कि ये गलत हो गया कुछ, आज सिस्टम नहीं चल रहा है, ये भी गलत है। इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स, मतलब आपकी क्लाइंट को कैसा देखना है, उसमें छोटा मोटा प्रॉब्लम्स आ गया तो कैसा करना है। तीसरा प्रेजेंटेशन यह है कि आपको हर दिन जीपीएस आपको सिंक करना होता है, मगर क्या होता है ना, कभी कभी जल्दीबाजी में आप जीपीएस कनेक्ट करने के टाइम पे उसका जो समय देना है 30 सेकंड या 15 सेकंड का टाइम देना है, आप नहीं देते हैं, आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आता है 0-0 लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहाँ पे है, इक्वेटर पे है, वो इंडिया में है क्या, जो उस दिन आपने मान लो 300 पैकेट्स कर लिया, 200 पैकेट्स कर लिया, सब खराब हो गया, क्योंकि ये इंडिया में नहीं हुआ है। हमको ये मानता है कि हमारा इंडिया का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आएगा तो हम प्रोसेस करेंगे, मगर आप 0-0 लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ले ले या कोई दूसरे जगह का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये सब क्या होता है ना, जल्दबाज में होता है, ऐसा काम बंद करिए। थोड़ा सा दो तीन मिनट का आप टाइम दे दिया तो, सब लोग ऐसा नहीं कर रहे, 1% 2% ही लोग करते हैं वैसा, वो भी जानबूझ के नहीं करते हैं, जहां पे टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे जान देना है वो नहीं देगा तो ऐसा छोटा मोटा एरर्स होता है। ये आपके लिए भी कष्ट है, जो आपके लिए जो आपके पास काम करने के लिए आया था उसका भी कष्ट है, ये बोलेगा अगर इसके शॉप में जाएंगे तो कभी भी मेरा आधार नहीं आता है, ये भी फैला जाता है तो आपके पास कोई भी नहीं आता है। देखो छोटा सा चीज कितना महंगाई पड़ जाएगी। नाउ कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल प्रेजेंटेशन, मैंने इतना सारा बोल दिया, मैंने DOE1 एरर, नाम क्यों नहीं चेंज करना है, जेंडर क्यों नहीं चेंज करना है। कभी कभी क्या होता है ना, आपको मालूम है उसने गलत डॉक्यूमेंट लाया हुआ है, वो बोलता है जबरदस्ती करता है आपके ऊपर ये डॉक्यूमेंट अपलोड करो, होता है उसका यार रिपरकशन ज्यादा होता है, आपको देखना पड़ेगा इसको देख कैसे होगा। सो उस स्थिति में क्या क्या कंप्लेन, अगर जानबूझ के किया या आपने जबरदस्ती में किया, अगर कहीं वैसा गलती काम हो गया तो व्हाट इज द रिपरकशंस, मतलब आपके ऊपर क्या क्या पड़ सकता है। ये डराने की बात नहीं है, आपको ये सब मालूम होना चाहिए, शायद अभी तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा इसलिए हम बता रहे हैं। हमारा ये उद्देश्य है कि आप सबको ट्रेनिंग होना चाहिए, ये ट्रेनिंग के पार्ट है, या किसी को डराने का या घबराने का बात नहीं है, वैसा मत सोचिए। अगर आप आधार सिस्टम में काम कर रहे हैं, 3 acts आर एप्लीकेबल, फर्स्ट इज आधार एक्ट, सेकेंड इज IPC इंडियन पेनल कोड, थर्ड इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये तीनों एक्ट के ऊपर FIR डाल सकते हैं अगर गलती बहुत बड़ा है तो। ये किस तरफ का गलती हो सकते हैं, पहला वाले अनऑथराइज्ड ऑपरेटर, अगर किसी सेंटर पे आधार सेंटर पे
आपका बॉस बाहर जाते हुए आपको गम्मी फिंगर देके जाते हैं, वो यूज करते पकड़े गए तो सेक्शन 36 एंड 42 ऑफ आधार एक्ट, सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट, सेक्शन 419, 420, 468, 471 आईपीसीआर चालू हो सकता है। ये इसके कुल मिला के 14 साल हो सकता है। तो ये सर कभी सोचना मत, मतलब अगर किसी ने भी आपको बोलेगा अरे यार मैं भाई एक घंटा के लिए बाहर रहा हूँ, ये गम्मी फिंगर ले लो काम करो, मना कर लो, बिल्कुल मना कर लो, वैसा काम बिल्कुल ही नहीं करना है, सोचना भी नहीं है आपको। कभी कभी क्या होता है ना, आपको सीएससी सेंटर होता है कई सेंटर पे, उस दिन घर में कुछ शादी है, कुछ काम है, क्या करते हैं, हाँ यार सिस्टम लेके घर में करेंगे, क्या फर्क पड़ेगा, हमको सब पता चलता है आपका सिस्टम कहाँ होना है। आप सुबह सुबह जीपीएस सिंक करते हैं ना, तब मेरे को पता चलता है आपका सिस्टम कहाँ पे है, वो सिस्टम से मैं सोचता हूँ ये यहाँ पे है या कहीं दूसरा जगह काम कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे आप काम करना चाहिए वही काम करना है। अगर सिस्टम लेके घर में करो या राजस्थान ऑपरेटर जाके दिल्ली में काम करो, दिल्ली वाले जाके जम्मू कश्मीर का काम करो, वैसा नहीं करना चाहिए। अगर उस तरह का काम करेगा तो फिर से उसके ऊपर ये सारी सेक्शंस चालू हो सकता है, ये सब मत करना है। नेक्स्ट वन इज ईसीएमपी क्लाइंट ऑपरेटर कॉम्प्रोमाइज्ड। ये देखो अभी बोल रहा हूं मैं, आप किसी को आपका रिमोट डेस्क दे दिया, आपने आपका सिस्टम को कॉपी कर लिया, इसमें आपको कोई दोष नहीं है, गलती नहीं है, मगर क्या हो गया, आप उसका पार्टी बन गया, आप वो सिस्टम का आपका सिस्टम डिटेल्स लेके कहीं दूसरे जगह सिस्टम चल रहा है, उसको जॉब अकाउंट देने पड़ेगा, आप लोगों को ही देना पड़ेगा, किसने बोला आपको देने को, आपने उस समय क्यों नहीं सोचा था ये सिस्टम देना है, ये सही आदमी है गलत आदमी है कौन है, सोचना पड़ेगा ना उस वक्त, वो भी नहीं करेगा तो भी उसके ऊपर भी इतना सारा सेक्शंस लागू हो जाएगा। अगर आप आपके पास बहुत लोग आते हैं, किसी ने, मैं आपके पास आया था, मैं अपना पीओआई पीओए डॉक्यूमेंट आपको दिया था, आपने मेरा आधार पैकेट बनवाया था, अगर आप उस समय एक एक्स्ट्रा जेरोक्स कॉपी निकला या किसी को आपकी पास जो भी रेजिडेंट्स आ रहे हैं उसका आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे के साथ शेयर कर लिया, वो बहुत बड़ा गलत है, वैसा मत करिए। सेक्शन 37 ऑफ आधार एक्ट इज एप्लीकेबल इन सच केस, मतलब आपके पास कोई भी आ रहा है आदमी, उनका जो भी डिटेल्स है, वो पर्सनल डिटेल्स है या एड्रेस डिटेल है, जो कुछ भी है वो किसी के साथ नहीं शेयर करना है किसी भी स्थिति में, वो आरओ पूछेगा, आरओ को बोलना पड़ेगा, इसके मतलब नहीं है आरओ को नहीं बोलेंगे, नहीं, जब इंक्वायरी आएगा आरओ को बोलना ही पड़ेगा, मतलब आपस में किसी दूसरे के साथ वो किसी का डिटेल्स नहीं शेयर करना है। अभी तक सर ने बताया कि फोन करेंगे हम, अगर पांच लोग बोलेगा कि हाँ ये ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, हाँ हो जाएगा डिसोसिएशन, हो जाएगा सस्पेंशन, हो जाएगा फाइनेंशियल पेनल्टीज लग जाएगी, ये सब क्यों करना है, जब आपको सरकार ने नोटिफाई किया था इतना ही पैसा लेना है उतना ही पैसा ले लीजिए ना, अगर एक भी रुपए ज्यादा ले लिया उसके पर्यवसान के ऊपर, ये देखो सेक्शन 42 ऑफ द आधार एक्ट विल बी एप्लीकेबल ऑन दैट, ये सब सेक्शंस, इसका सजा वगैरह वगैरह सब आपकी आधार का जो किताब है ना, छोटा किताब है ना, उसमें सारी इसका इंफॉर्मेशन मिला है। ये देखो अप्रोप्रिएटिंग द आइडेंटिटी ऑफ एन आधार नंबर होल्डर बाय चेंजिंग और अटेम्प्टिंग टू चेंज द डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन ऑफ एन आधार नंबर होल्डर, ये मैं वो ही बोल रहा हूँ, किसी दूसरे का आधार व्यक्ति का, मान लो मेरा नाम श्रीनिवास है, मेरा आपको मालूम है मेरा नाम श्रीनिवास है, कोई मैं आके आपको बोला अरे यार मेरा नाम श्रीनिवास से कुमार राकेश सिन्हा कर लो, मैं कुछ काम करना है उसके नाम पे बोल के बोलेगा, तो आप उसमें पार्ट मत लेना, वो सारी वैसा ट्रांजैक्शंस को सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस है, उसको एंकरेज मत करो और से स्ट्रॉन्ग ऑन सच ट्रांजैक्शंस एंड डोंट एंकरेज सच ट्रांजैक्शंस, उसका बहुत बड़ा असर हो जाता है। दूसरा यह है कि प्रिटेंडिंग टू बी एन एजेंसी अनऑथराइज्ड टू कलेक्ट आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन ऑफ ए रेजिडेंट, आप सीएससी पहले था, अभी किसी के कारण से आपका डिसकंटिन्यूएशन हो गया है, आप लोगों को ये मत बताना कि हाँ अभी भी मैं आधार का ऑपरेटर हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, आपका ये करवा सकता हूँ, वो करवा सकता हूँ बोल के मत बताना, अगर वो भी करेगा वो भी गलत है, उसका भी पेनल्टी 3 साल की है, सजा है और 10,000 की पेनल्टी है। और दूसरा ये है कि इंटेंशनली ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग एनरोलमेंट ऑथेंटिकेशन टू अनऑथराइज्ड पर्सन, मतलब आप पहले भी वही बताया था, किसी के साथ आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा तो 3 साल की सजा
और 10,000 का पेनल्टी, कभी कभी 1,00,000 की पेनल्टी भी हो सकता है कंपनी के ऊपर, अगर कंपनी इन्वॉल्व है तो उसमें। ये अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सेंट्रल आइडेंटिटी डाटा रिपोजिटरी, मतलब कोई दूसरा की तरफ से कंप्यूटर के साथ कोई सॉफ्टवेयर, डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर यूज करके जो भी करेगा वो सब ऑलरेडी एक्ट में इंक्लूडेड है। अगर कोई भी इसमें जान पूछ के या गलती से भी आप इसमें इन्वॉल्व हो गया तो इसका परेशान बहुत अलग सा है। इसलिए अब जो भी इंटेंशनली और इंटेंशनली डोंट गेट इन्वॉल्व इन दैट एक्टिविटीज। अगर जो भी टैम्परिंग ऑफ डेटा करना चाहते हैं, मतलब डेट ऑफ बर्थ मेरा है 2005, मैं उन आपको बोलता हूँ 2010 करवा लो भाई, अगर वो कुछ प्रोसेस में कुछ करना शुरू कर लिया वो भी बड़ा इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years इन सच केसेस, वो वैसा मत करिए। अनऑथराइज्ड यूज ऑफ आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल बाई रिक्वेस्टिंग एंटिटी और ऑफलाइन वेरिफिकेशन, ये क्या है ना, कभी कभी सर ने सुबह बताया था ना एक आइडेंटिटी कैसा पता होना चाहिए, QR कोड स्कैन करने से उनका आइडेंटिटी पता चलेगा। अब QR कोड स्कैन करके कोई दूसरे वाले को ये मत बताना इनका इन्फॉर्मेशन डिटेल्स क्या है, जिसका चाहिए वो करेगा, आपका नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है वो। फेलिंग टू कंप्लाई विथ रिक्वायरमेंट्स ऑफ द आधार एक्ट, मतलब CSE के ऊपर आपके बहुत जिम्मेदारी है, आप CSE के लिए काम कर रहे हैं, मतलब इसके आपके ऊपर भी बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं, आप अगर वो कंप्लाई ना करेगा तो उसके ऊपर भी पेनल्टीज होता है। इन एडिशन ऑल दीज थिंग्स, कोई भी तरफ का एक्सप्लिसिटली नहीं डिफाइन किया हुआ है, कोई भी गलतियां है जिसमें एक्शन करना है उसका भी इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट है। ये आपको सबको पता होना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है, इसमें कष्ट भी होता है और हमारा इसके लाभ भी होता है। लाभ हम सबको मालूम है, कष्ट और नष्ट भी सबको मालूम होने से क्या होता है, हम ठीक से काम कर पाएंगे। जो हम सोचते हैं छोटे मोटे गलतियां है वो छोटे मोटे नहीं होते हैं, उसका असर बहुत अलग सा होता है। अब तक तो मैं आधार एक्ट का पेनल्टीज बताया था, आधार एक्ट के साथ IPC पेनल्टीज भी चालू होता है कभी कभी, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अगर किसी ने स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट दुकानदार वाले से ये करके, हाँ वहाँ जाके स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट लेके आइए आपका आधार अपडेट बन जाएगी बोलेगा, वैसा एंकरेज करेगा तो वो भी अलग सी बात है। Whomsoever is party to criminal conspiracy to commit an official offense punishable with death or rigorous imprisonment, कुछ भी हो सकता है, आप पढ़ लीजिए, अंग्रेजी पढ़ लीजिए, ये सब इंटरनेट में भी आपको मिलता है। आपको बस ये बस ध्यान देना है अगर इसके ऊपर आप गलती करेंगे तो उसका परेशान क्या होता है। सेक्शन 419 पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाई पर्सनेशन, अगर आप किसी का नाम लेके जाके आधार में अपना डिटेल्स अपडेट करके, मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं श्रीनिवास हूँ, राकेश कुमार सिन्हा बनना चाहता हूँ, वो चीटिंग है। अगर वो भी आप भी जान पूछ के या बिना जान पूछ के भी आप उसमें शामिल हो गया, उसका परेशान सीरियस होता है। 420 ये सबको मालूम है, 420 का केस क्या होता है, गलती जो भी कर किस तरफ की भी गलती करेगा तो वो 420 में आता है। 467 फोर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मतलब आप फोर्जरी करो या डॉक्यूमेंट को, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि जब आशीष हमारा QC मैनेजर वो यहाँ पे है, लंच के बाद वो एक QC के ऊपर कौन सी एरर्स होती है वो सब बताते हैं। वो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट लेके एक आदमी आता है, मगर बर्थ सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ में वाइटनर लगा के डेट ऑफ बर्थ चेंज किया है, मतलब डॉक्यूमेंट इज टैम्पर्ड, उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था, मगर लोग देखते ही नहीं है, जान नहीं देते हैं, वो स्कैन करके अपलोड करते हैं, वो DOI-1 में आते हैं, मतलब जो गलती कर रहे हैं उनके साथ आप उनको सहायता कर रहे हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट में जब वाइटनर लगा के डेट ऑफ बर्थ और नाम चेंज किया हुआ है, आप उस डॉक्यूमेंट को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। ये भी 468 वही वे फोर्जरी, द इंटेंशन ऑफ द फोर्जरी इज फॉर चीटिंग, उसके लिए पनिशमेंट है। 471 यूजिंग ए जेन्युइन फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मतलब आपको ये मालूम है ये जेन्युइन रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी आप यूज कर रहे हैं इसको आधार जनरेट करने के लिए। सर ने बताया था ना सुबह 11% आपका रिजेक्शन हो रहा है, मतलब आप 10,00,000 ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसमें 1,10,000 ट्रांजेक्शन आर गेटिंग रिजेक्टेड, उसमें 9% ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर रिजेक्टेड फॉर वॉन्ट ऑफ द प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स। आप लिस्ट ऑफ एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स नहीं करते हो, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लेके करते हो, दैट इज अ सीरियस ऑफेंस। इन एडिशन टू दैट जो मैंने बोला था ना, वाइट पेपर स्कैनिंग, ड्यूअल स्कैनिंग ऑफ टू पेपर्स एक साथ, जो टैम्पर्ड डॉक्यूमेंट,
कभी कभी नाम में गैजेट नोटिफिकेशन भी एडिटिंग कर रहे हैं एडोब फोटोशॉप के साथ। अगर कोई भी आपके पास गैजेट नोटिफिकेशन लेके आ रहे हैं, आप देख लो वो सही है कि नहीं है, क्योंकि लोग उसके भी फोटोशॉपिंग करके आ रहे हैं। थोड़ा जान से रहिए, वो बहुत बड़ा ये पंगा हो जाएगा। आप जो भी डॉक्यूमेंट, कोई भी प्रकार के डॉक्यूमेंट लेके आपके पास आ रहे हैं, स्पेशली नेम चेंज, डेट ऑफ बर्थ चेंज, जेंडर चेंज का कोई भी आ रहा है, अगर वो कोई भी डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं और उनका एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस में आ रहे हैं, मतलब उनका इंटेंशन सही नहीं होगा। कभी कभी आप देख लीजिए उनका डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप सीधा सीधा बोल दीजिए कि सर ये डॉक्यूमेंट से मेरे दुकान में नहीं होगा, मेरे सेंटर में इसका अपडेट नहीं चलेगा। सीधा बताइए, कोई गलती नहीं है उसमें। मगर आप जब जहां फील होते हैं कि ये डॉक्यूमेंट करने से मेरे को कोई अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को कुछ डाउटफुल लग रहा है, सस्पिशियस लग रहा है, आप उससे दूर रहिए ना, उसमें इन्वॉल्व ही मत हो जाइए उसमें। नाउ हमने अभी तक आधार एक्ट का कानून का सेक्शन सुन लिया, आईपीसी का सेक्शन सुन लिया, अभी है आईटी एक्ट। ये तीनों एक्ट एक ही साथ लागू होता है। अगर किसी ने गलती किसी प्रकार की भी कर लिया तो तीनों एक्ट एक ही साथ लागू हो सकता है। सेक्शन 65, टैम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, मतलब वही है कंप्यूटर में स्कैन करके अपलोड कर रहे हैं, वही है। सेक्शन 66, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, ये वही है कंप्यूटर के साथ अगर किसी ने डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर बनाया, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो भी एक सेक्शन है। पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस, आप कभी कभी देख लिया होगा व्हाट्सएप ग्रुप्स में या यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा, आप मेरे को 500 रुपए दे दो और मैं आपका डीवो भी अपडेट करवा लेता हूँ, मैं आपका आधार कार्ड पीवीसी कार्ड बनवा के दे देता हूँ, बहुत सारे वेबसाइट चलता रहते हैं, उसमें आप प्रमोट मत करिए, आप उसका वैसा मैसेज कुछ भी आया आप आरओ को रिपोर्ट करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। वैसा कोई फेक वाला वेबसाइट या एसएमएसएस या व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज चक्कर मार रहे हैं तो आपको जिम्मेदारी है आरओ को इन्फॉर्म करने के, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेट करके उसके जो भी एक्शन लेना है वो करेगा। जब तक आप नहीं बताएगा तो, क्योंकि हमको भी सारी चीजें नहीं मालूम पड़ता है, आपका जिम्मेदारी भी है हमको बताना है ऐसा काम चल रहा है सर, इसको थोड़ा देख लीजिए सर, ये डाउटफुल केस है। दिस इज वन मोर सेक्शन। अनदर सेक्शन इज 66B, पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस। अगर किसी ने आपको बोला है कि आधार किट, आपको मालूम है आधार किट जिम में मिलता है, अगर किसी ने आधार किट कहीं दूसरे जगह से लेके आपके आपको बोल रहे कि ये 1 लाख का किट है, मैं आपको 10,000 में दूंगा, लेके काम कर लो, मत करो ऐसा, वो भी इसमें पड़ सकता है। सेक्शन 66C, पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट, मैं वही बोल रहा हूँ ना, श्रीनिवास बन गया अजय कुमार, वो तो अलग सी आइडेंटिटी थेफ्ट की बात है, वो मेरा आइडेंटिटी बदल रहा हूँ, किसी का आइडेंटिटी लेके किसी को दूसरे को दे रहा हूँ, कोई डेथ पर्सन का आइडेंटिटी लेके कोई दूसरे को दे रहा हूँ, ये सब थोड़ा देखना पड़ेगा। पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय इंपर्सोनेशन यूजिंग कंप्यूटर सोर्स, बस वही है, कोई कंप्यूटर का डॉक्यूमेंट लेके, कंप्यूटर के हिस्सा लेके हमने किसी का आइडेंटिटी चेंज करने का, बदलाव करने का कोशिश किया तो दैट इज अ वेरी पनिशेबल, सीरियसली पनिशेबल ऑफेंस। बस इतना ही है। आप लंच के बाद आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई टीम, मिस कीर्ति इज देयर, शी इज द मास्टर ट्रेनर, शी विल बी टेकिंग केयर ऑफ ऑल द एनरोलमेंट ऑपरेशंस अंडर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स अंडर द एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेसेस आफ्टर लंच, शी विल बी हैंडलिंग इट। आशीष रंजन है, वो मेरा क्यूसी मैनेजर है, वो आपको डीओई एरर क्या होता है, किस प्रकार की एरर होता है, आपने कौन सी गलतियां कर रहे हैं, मैं सब लोग नहीं कर रहे होंगे, एक दो आदमी कर रहे होंगे, मगर गलती है किस तरह का होता है, डीओई एरर क्यों आता है, पहले बायोमेट्रिक एरर क्यों आता है, ये सब आपको एग्जांपल के साथ वो एक्सप्लेन करेगा, आशीष रंजन एक्सप्लेन करेगा। उसके बाद जो मैंने बताया था ना टेक्निकल एस्पेक्ट्स, मतलब छोटे मोटे चीजें है कंप्यूटर का, वो भी नहीं देखते हैं बहुत लोग, वो देखने का क्या क्या देखना होता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का क्या क्या देखना होता है, वो सब आपको मेरा टीटीएनसी टीम, वहां पे धर्मेंद्र वगैरह है, वो लोग बताएगा आपका। इसके साथ लिस्ट ऑफ एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट, हम लिस्ट ऑफ एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं, इसको आप देखना पड़ेगा, इसके ऊपर आप नजर रखना पड़ेगा, जो इस लिस्ट ऑफ एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स है उसी को एक्सेप्ट करना है, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट में स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट यूज मना है। सेकेंड थिंग, जो भी
अपना नाम चेंज करने के लिए आता है, मतलब श्रीनिवास है, मेरा नाम श्रीनिवास कुमार करना है, कुमार ऐड करना है। लोग क्या करते हैं, लेके स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट लेके आते हैं अपना नाम चेंज करने के, वो वाला डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा। स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट इज नॉट एक्सेप्टेड फॉर इवन माइनर करेक्शन इन योर नेम। आपका कोई डॉक्यूमेंट, आपका नाम सरकारी वाला जो भी डॉक्यूमेंट है वही लेके आना है। अगर आप स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट से सारी चलेगा वो सोचेगा तो नहीं चलेगा। लंच के बाद जो भी क्वेश्चन एंड आंसर है लास्ट सेशन में वो सब है, वो सब आंसर करेगा। थैंक यू।